अनुपमा में जहां एक तरफ बैठे हैं अनुपमा और वनराज समर की तरफ से पूजा करने के लिए, वहीं डिम्पी की तरफ से अनुज पूजा पर बैठता है। लेकिन माया मैडम, उनके अंदर एक खलबली मची हुई है और वो सबके सामने आकर अनुज के साथ पूजा पर बैठ जाती हैं। सबके द्वारा सवाल उठाए जाने पर माया कहती है कि अब हम और अनुज हमेशा साथ रहेंगे, तो इस हक से मैं उनके साथ पूजा पर बैठूंगी। पूजा शुरू होती है, अनुपमा को बहुत बुरा लगता है। किंजल अनुपमा को कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा कहती है जब तक उसकी अनुज से बात नहीं होती वो किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकती। वहीं समर अनुज को ये दिखाने के लिए कि उसकी माँ किसी की मोहताज नहीं है, सबके सामने ये बताता है कि अनुपमा मालती देवी के साथ अमेरिका जा रही है। अनुपमा के अमेरिका जाने की बात को सुनकर अनुज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये बात किसी से भी छिपी नहीं रहती। उसके बाद बास सबसे पूछती है कि शादी के फंक्शंस कहाँ होने हैं, जिस पर माया अनुज की तरफ से जवाब देती है कि आधे फंक्शंस यहाँ होंगे और आधे फंक्शंस कपाड़िया हाउस में। हालांकि अनुज इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अनुज कपाड़िया हाउस नहीं जाना चाहता। माया उसे बार बार इंसिस्ट करती है और कपाड़िया हाउस को बार बार हमारा घर बुलाकर उस घर पर अपना कब्जा दिखाना चाहती है। माया अनुज से कहती है कि वहाँ पर अनुपमा की यादें हैं, क्या इसी वजह से अनुज वहाँ नहीं जाना चाहता। कल के एपिसोड में अनुज मौका देखकर अनुपमा से बात करने के लिए जाएगा, ये देखकर वनराज और माया के तो होश ही उड़ जाएंगे। क्या हो पाएगी अनुपमा और अनुज की बात? क्या मिटा पाएंगी ये दोनों अपने बीच की गलत फहमियाँ? या माया एक बार फिर कामयाब हो जाएगी दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने में? सीरियल के ऐसी ही चटपटी खबरों और स्पॉयलर्स के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।